हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। आज बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो पहला पार्ट हमने किया था वो इंट्रोडक्टरी था, स्टार्ट किया था हमने उस पार्ट के थ्रू और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको रिसीव किया एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डिमांडेड मी टू कंटिन्यू विद दैट सीरीज। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आज पार्ट टू लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। तो बच्चों, पार्ट टू में कुछ और साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे। इसमें कोई पार्ट वन या पार्ट टू के हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई लेस इंपॉर्टेंट है, कोई मोर इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपके सिलेबस में इतने सारे साइंटिफिक नेम्स हैं कि उन सबको याद करने में, समझने में, जानकारी लेने में आपको कई पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मैं यूं कहूं कि अगर हर एक पार्ट में 20 साइंटिफिक नेम्स की डिस्कशन करें तो कम से कम 10 पार्ट तो चाहिए ही चाहिए जो मोस्ट मैंडेटरी है। यानी कि एटलीस्ट 200 साइंटिफिक नेम तो आपको पता होने ही चाहिए जो क्वेश्चन का पार्ट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा भी कुछ और साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और मैं एक बार क्विकली देख लेता हूं हमारे कौन कौन से प्यारे बच्चे आ चुके हैं। अविनाश, विवेक, वैभव, अनमोल, अश्मिता, इसके अलावा मोहित, दीप, क्या बात है, नौशीन, अर्श, मयूर, मोहित, मुनेंद्र, गेमिंग, क्या बात है, शिवम, बहुत से बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं इस वक्त सेशन के साथ। तो बच्चों चलिए शुरू कर दिया जाए आज के अपने इस सफर को, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पार्ट टू। शुरू करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता करके शुरू करना चाहता हूं। आज दोपहर 12 बजे आपके लिए एक बहुत ही अनोखा सेशन लेकर के आ रहा हूं YouTube अनअकैडमी नीट चैनल पर, और सेशन का नाम है फ्रॉम द ट्री टॉप, यानी कि पेड़ों के ऊपर से। हम पेड़ों को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन कभी ऊपर से नीचे की तरफ देखा हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मैजेस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के, द प्लांट्स माइटी होते हैं, डायनामिक होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। तो उनके बारे में भी कई सारी चीजें जानना जरूरी है। रूट्स के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, रूट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। टॉप के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जिसको कैनोपी के नाम से जाना जाता है। थैंक यू बच्चों फॉर ऑल योर हार्ट लव एंड सपोर्ट। नेहा, सुरभि, शिवांशु, अविनाश, पुष्वंत, शिवांशु, फ्रीजर, क्या बात है, अमित, स्वागत है बच्चों। शुरू कर देते हैं आज के अपने इस सफर को, बहुत से बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पार्ट टू। अब आप यहां पर एक पर्टिकुलर प्रजाति देख रहे हैं जिसको वुल्फ कहते हैं, भेड़िए के नाम से जाना जाता है, कैनिस लूपस, राइट। तो जीनस जो है वो कैनिस है और लूपस जो है वो स्पीशीज है, राइट। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस, वो नहीं है करेक्ट प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको नोमेनक्लेचर का रूल भी बताया हुआ है कि जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग लिखना होता है, दोनों को या तो इटैलिक्स करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। ये तो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि जीनस पार्ट क्या होता है और स्पीशीज पार्ट क्या होता है, हमने इस डिस्क्रिप्शन को यहां दिया। आगे इस पर डिस्क्रिप्शन एक्चुअल बेसिस में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को। तो पहला साइंटिफिक नेम सोलनम ट्यूबरोजम, यानी कि पोटैटो, आलू से आज करते हैं दिन की शुरुआत। स्टार्ची फूड, इसके अंदर काफी क्वांटिटी में स्टार्च होता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि ये अपने प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से चौथा सबसे ज्यादा हार्वेस्ट किया जाने वाला क्रॉप है वर्ल्ड वाइड। तो पहले तीन कौन से हैं, राइस, वीट और मेज, इनके बाद पोटैटो का ही नंबर आता है, यानी कि गेहूं, चावल, मक्के के बाद आलू का नंबर आता है वर्ल्ड वाइड। सारी दुनिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले टोटल फूड ग्रेन में से इसका चौथा नंबर आता है। अब आप सोच सकते हैं कि सोलनम ट्यूबरोजम काफी इंपॉर्टेंट है। सोलनम ट्यूबरोजम हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इसको काफी डिटेल में हम जानते हैं। इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बड़ा कॉमन है कि इसमें ये स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है और आईज ऑफ पोटैटो के नाम से जाने जाते हैं इसके नोड्स। उन आईज में से नया बर्ड निकलता है, उसी से नए प्लांट का ही ग्रोथ हो जाती है। इन पोटैटो ट्यूबर्स को कट करके अगर जमीन में लगा दिया जाए, प्रोवाइडेड वहां पर एक आधी आईज हो, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, राइट। और ये क्या चीज है, दे आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ये जड़े नहीं है, रूट नहीं है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है।
राइट। और ये स्टेम कैसे होते हैं? तो बच्चों इसकी जो लोअर स्टेम होती है वहां से धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको स्टोलन भी कहा जाता है, उन्हीं के साथ इसका जो आउटर मोस्ट टिप होता है उसमें स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है जहां पर फूड का डिपोजिशन होने लगता है और उसी डिपोजिशन की वजह से आलू बन जाता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। यहां हमें आलू के बारे में विशेष जानकारी नहीं चाहिए, हमें इसके साइंटिफिक नेम के ऊपर फोकस करना है। तो अगेन फिर कहता हूं, सोलेनम ट्यूबरोसम सोलानेसी फैमिली का मेंबर है और सोलेनम जीनस की कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सोलेनम मिलोंजीना यानी कि बैंगन। तो सोलेनम जीनस काफी फेमस जीनस है, सोलेनम ट्यूबरोसम याद रखिए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं आलू के बारे में। सो पोटैटो जो है बच्चों वो नेटिव टू अमेरिकाज है, अमेरिका का नेटिव है और इसका ओरिजिनेटिंग स्थान यानी कि इसका जो एरिया जहां से ये ग्रो किया दैट इज मॉडर्न डे पेरू। पेरू इज अ कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो वहीं से इसकी शुरुआत है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो वहां के आदिवासी लोग जो रहते थे वो कौन कौन सी चीजों को खाते थे, जब उनकी खोज हुई तो उसमें से आलू भी मिला और आलू इतना प्रचलित हुआ कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। आज की डेट में लगभग पूरे वर्ल्ड में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। नाउ प्लांट बिलोंग टू द नाइट शेड फैमिली या सोलानेसी फैमिली। इसके ऊपर भी एक बड़ी दिलचस्प कथा है, नाइट शेड फैमिली क्यों कहा जाता है। पहला तो ये कि इसके पीछे अलग अलग जो है रीजन दिए जाते हैं, अलग अलग रीजन कौन कौन से हैं नाइट शेड फैमिली के लिए। बच्चों इस फैमिली के जो पौधे हैं, कई पौधे बड़े जहरीले प्रजाति के होते हैं, बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, इस वजह से भी उनको रात का जहर या नाइट शेड इस तरह के नामों से जाना करते थे वहां के लोकल लोग, राइट। इसके अलावा पत्तियां इसकी काफी चौड़ी होती हैं, अगर आप रात के वक्त जाते हैं किसी जंगल में तो इसकी पत्तियां इतनी चौड़ी होती हैं और डार्कर कलर की होती हैं जिसकी वजह से ये क्लियरली दिखाई नहीं देते, इस वजह से भी नाइट शेड कहा जाता है। और भी बहुत से तथ्य हैं लेकिन एग्जैक्ट नाइट शेड फैमिली नाम क्यों पड़ा ये कोई नहीं जानता, कहां से ये शब्द आया, कहां से ये वर्ड पड़ा नहीं जानते, लेकिन इसको इन जनरल नाइट शेड फैमिली कहते हैं। अब इसमें से जो थ्योरी आपको सटीक लगे आप उसके हिसाब से नाम रख लीजिए। ध्यान रखना है सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, परसिस्टेंट कैलेक्स होता है। नाउ The starch-rich tuber is a staple food in many parts of the world and is an integral part of much of world's food supply. पूरी दुनिया की food supply का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि potato का production अगर ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाए दुनिया में, खाने की तकलीफ हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला Pavocrystatus, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आपको मोर के बारे में तो ये पता ही है कि ये ब्लू कलर का मेन बॉडी इसकी होती है, बहुत चमकीला, पीकॉक ब्लू कहते हैं इस कलर को, पीकॉक ब्लू कलर देख लीजिए आप, यही है पीकॉक ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं जहां पर पीकॉक के बारे, ये देखिए ये पीकॉक ब्लू कलर है। लेकिन ग्रीन पीकॉक भी होते हैं, व्हाइट पीकॉक तो आपने देखा होगा, व्हाइट पीकॉक एक रेयर डिसऑर्डर की वजह से है, यानी कि उनमें जो पिगमेंटेशन वाली जीन प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन एक ग्रीन पीकॉक भी होता है जो इंडोनेशिया मलेशिया जैसे इलाकों में पाया जाता है, हमारी कंट्री में जो पीकॉक पाया जाता है वो ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू, पीकॉक ब्लू, इस तरह के कलर के नाम से जाना जाता है। पेवोक्रिस्टेटस हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, मयूर जिसको कहते हैं, मोर जिसको कहते हैं, हमारे कल्चर के साथ ये बहुत पुराना इसका रिश्ता नाता है। बच्चों इसको बर्ड ऑफ लग्जरी भी माना जाता था, बड़े बड़े राजा महाराजा जो है इसके आकार का, इसके पंखों के आकार का डिजाइन का सिंहासन बनाते थे और कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान भी मोर का पंख अपने मुकुट में लगाते थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका हमारे साथ बहुत पुराना और बहुत गहरा नाता है, राइट। तो यू अंडरस्टूड पेवोक्रिस्टेटस। चलिए जी बात करते हैं ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी बना कब। देश के आजाद होते ही इसको राष्ट्रीय पक्षी नहीं बना दिया गया था, कुछ वक्त लगा इन चीजों को डिफाइन करने में, जैसे कि राष्ट्रीय फ्रूट, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री, नेशनल बर्ड, इस तरह की चीजों में काफी वक्त लगा, नेशनल एम्ब्लम, तो ये चीजें पहले से ही बनाई गई थी। नाउ इन 1963 में पीकॉक को नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया बिकॉज ऑफ इट्स रिच रिलीजियस एंड लेजेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय सभ्यता में इसका बहुत गहरा नाता रहा। बच्चों आपको पता होगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन बनवाया था, पीकॉक थ्रोन सोने का था, गोल्डन पीकॉक थ्रोन था और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसको जब नादिर शाह आए दिल्ली में, उन्होंने आक्रमण किया, नादिर शाह व्हेन ही प्लंडर्ड दिल्ली, वो अपने साथ इसको ले गए, ईरान ले गए,
पर्शिया या ईरान उस टाइम पर जो वक्त कहा जाता है, तो कहते हैं पूरा गोल्ड का था वो पीकॉक थ्रोन। तो इस तरह की तो इसकी कहानी है। तो 1963 के बाद से ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो गया। दिस बर्ड इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कंट्री एंड इज इजिली रिकॉग्नाइजेबल बाई कॉमन मैन। कोई भी इसको देख करके पहचान जाता है। मयूर के बारे में हम बचपन से जानते हैं या मोर के बारे में हम बचपन से जानते हैं। ग्रीश, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीकॉक राइट नाउ। शिफाली, कैंडिड, रुचि, ऋतु, अमित, तो बर्ड इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कंट्री और इसको इजिली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बर्ड एम्ब्लेम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी दूसरे देश में जो बर्ड एम्ब्लेम, कहीं कहीं पर बर्ड एम्ब्लेम बनाए जाते हैं, जैसे ईगल को अमेरिका के एम्ब्लेम में यूज किया जाता है, तो इस तरह से पीकॉक को कहीं यूज नहीं किया जाता। इस यूनिकनेस की वजह से भी इसको नेशनल बर्ड बनाया गया, यानी कि ये हर कैटेगरी में फिट होता था, नेशनल बर्ड बनने योग्य था और पूरी कंट्री में हर जगह ये एक्लामेटाइज हो जाता है, आपको हर जगह ये दिखाई दे जाता है। राइट, सैफी, सुरभि, शेफाली, रिया, धनंजय, क्या बात है, बहुत से बच्चे आए हुए हैं। पेवो क्रिस्टेटस, आप सब जानते हैं पेवो क्रिस्टेटस, नाम याद रख लीजिए, फिर दिखा देता हूं। अगला हमारा वुल्पेस, वुल्पेस रेड फॉक्स, वुल्पेस वुल्पेस रेड फॉक्स को कहते हैं। और आपने शायद रेड फॉक्स देखा हो, शायद ना देखा हो, जरूरी नहीं है रेड फॉक्स आपने देखा होगा, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग वर्ल्ड वाइड है और ये बड़ी इन्वेसिव स्पीशीज है, कहीं पर भी थ्राइव कर जाता है। इसको कहीं इंट्रोड्यूस कर दीजिए, देखिए ये बड़े आराम से वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी कि कुछ कुछ ह्यूमन हैबिटेशन के साथ साथ भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये वुल्पेस वुल्पेस। इसके वैज्ञानिक नाम में एक त्रुटि है, वो त्रुटि क्या कहती है, इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म, यानी कि जीनस और स्पीशीज सेम होना। अब ये त्रुटि जुअलॉजिकल नोमेनक्लेचर में त्रुटि नहीं मानी जाती, लेकिन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में ये गलती है, यानी कि इस तरह का नामकरण हम जुअलॉजी में तो देखेंगे, जैसे वुल्पेस वुल्पेस, एक्सिस एक्सिस, गोरिल्ला गोरिल्ला, नाजा नाजा, इस तरह के बहुत से आप देखेंगे नामकरण जो जुअलॉजिकल नोमेनक्लेचर में मिलेंगे, लेकिन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में इसको नहीं इंक्लूड किया जाता। ठीक है, टॉटोमेरिज्म के नाम से इस टर्म को जाना जाता है, वुल्पेस वुल्पेस द रेड फॉक्स। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। रेड फॉक्स इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉक्सेस एंड ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड मेंबर ऑफ ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा का सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मेंबर है, इससे भी ज्यादा हो सकता है डॉग, क्योंकि डॉग को डोमेस्टिकेटेड किया जाता है, लेकिन इसको डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जाता। ठीक है, ये कहां कहां पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट अक्रॉस द इंटायर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका। अब एक और आश्चर्य की बात बता देता हूं, रेड फॉक्स ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच चुका है। कौन लेके गया, कैसे लेके गया, कुछ नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं पाए जाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मर्सुपियाल्स का लैंड है, वहां पर कोई भी टॉप प्रीडेटर नहीं था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये पहुंचा कैसे वहां ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बाद इसने थ्राइव भी किया, अब आप सोच लीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये काफी इन्वेसिव होता है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये ग्रो कर जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेता है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक और साइंटिफिक नेम, लाइकोस्पर्सिकन एस्क्यूलेंटम। बच्चों, टमाटर की भी अनोखी कहानी है नामकरण से लेके। पहले इसको सोलानेसी फैमिली है, तो सोलानेसी फैमिली में ही सोलेनम जीनस का पार्ट माना जाता था, सोलेनम लाइकोस्पर्सिकम, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है। बाद के रिसर्चर्स ने देखा कि नहीं, ये पोटैटो से थोड़ा अलग है, तो इसका जीनस अलग कर दिया गया। अब जीनस कोई मिले ना, कौन सा जीनस रखा जाए, तो फिर उसमें यह हुआ कि भैया इसका जो करंट स्पीशीज है सोलेनम लाइकोस्पर्सिकम, इसी लाइकोस्पर्सिकम को बना दो जीनस और एस्क्यूलेंटम आगे ऐड कर दीजिए। इस तरह से तो इसका नामकरण हुआ, क्योंकि इसकी प्रजाति का, इसके जीनस का और दूसरा मेंबर बड़ा नजदीकी कोई मिलता नहीं है जल्दी, समझ में आई बात। तो लाइकोस्पर्सिकन एस्क्यूलेंटम ये इसका वैज्ञानिक नाम बन गया। अब यही नाम चल रहा है, दिस इज द मॉडर्न नोमेनक्लेचर ऑफ टोमेटो। तो लाइकोस्पर्सिकम एस्क्यूलेंटम आपको ज्यादातर लिटरेचर्स में मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर सोलेनम लाइकोस्पर्सिकन के नाम से भी देखा जा सकता है। तो घबराइएगा नहीं अगर कहीं आपको सोलेनम जीनस के साथ भी दिखे, वो भी ओके है ना। टोमेटो इज द एडिबल रेड और येल्लोइश बेरी, या तो लाल कलर का होगा, एडिबल बेरीज है, येल्लोइश। अब इसी टाइप की बेरीज बच्चों पोटैटो में भी पाई जाती है, लेकिन ध्यान दीजिए वो एडिबल नहीं है,
जो पोटैटो की बेरीज हैं वो एडिबल नहीं है, थोड़ी सी कड़वी होती है। नाउ न्यूमरस वैरायटीज ऑफ टोमेटो प्लांट आर ग्रोन वाइडली ग्रोन इन टेम्परेट क्लाइमेट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें ग्रीन हाउसेज में भी इसकी ग्रोथ यूरोप में कराई जाती है, राइट, जिसकी वजह से ग्रीन हाउसेज में ग्रो करने की वजह से पूरे साल तक इसकी सप्लाई रहती है। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में टमाटर ज्यादातर सर्दियों की फसल है, लेकिन मिलता ये पूरे साल है, पूरे सीजन मिलता है। इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्शन अलग अलग इलाकों में होता है, जहां थोड़े सर्द इलाके होते हैं वहां पर टमाटो का प्रोडक्शन ज्यादा, यानी कि बाकी कंट्री में जब गर्मी का मौसम होता है तो कहीं कहीं पर फिर भी कूलर क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वहां टमाटो ग्रो कर रहे होते हैं। तो टमाटर की खेती काफी ज्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये एक तरह का काफी इंपॉर्टेंट एडिबल फूड क्रॉप है। एक और चीज बता दूं टोमेटो के बारे में, टोमेटो इज वन ऑफ द फूड सोर्सेज जो कि यूमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। यूमामी रिसेप्टर्स हमारी टंग में होते हैं, अमीनो एसिड के रिसेप्टर, लेकिन टोमेटो में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो यूमामी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो टोमेटो की ये खासियत है। आगे बढ़ते हैं, एलियम सीपा, एलियम सीपा यानी कि प्याज, अनियन, प्याज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो प्याज का ये जो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मोटा सा स्ट्रक्चर जो हम खाते हैं, इसको कहते हैं बल्ब। और इसी प्याज में ऊपर इसके जब फ्लावर निकलते हैं तो वहां पर बल्बिल भी आता है, यानी कि बल्ब भी देखा जाता है इसी में, बल्बिल भी देखा जाता है। और एक और चीज है, इसकी जो स्केल यानी कि जो इसकी लीफ होती है, लीफ मॉडिफाइड लीफ है क्योंकि ये स्टेम है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम कह सकते हैं इसको, तो इसकी जो लीफ होती है यानी कि जब प्याज को कट करते हैं तो वो जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो फ्लैशी लीव्स हैं। And they are fleshy due to storage of food. वो food के storage की वजह से thick हैं, fleshy हैं, right? चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। Allium sepa, Allium sativum भी याद रखिएगा, जिसको garlic के नाम से जाना जाता है। तो onion is a worldwide culinary and therapeutic spice. Culinary का मतलब है खान पान में use किया जाने वाला, किचन वैरायटी है यानी कि खाने में यूज किया जाता है, एंड थेरापूटिक स्पाइस भी है, थेरापूटिक यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। बच्चों कहीं पर भी कभी चोट लगे तो सबसे बढ़िया जो देसी इलाज होता है वो हल्दी और प्याज को सरसों के तेल में भून करके बांध लिया जाता है। और कहते हैं कि प्याज जो है किसी भी लगी हुई चोट को ईज करता है, यानी कि जो एडिमा होती है, स्वेलिंग होती है, उसको कम करता है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक क्रीम्स भी आती हैं कि बॉडी में कहीं पर एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो जाए, इवन बोन की आउटग्रोथ हो जाए, उसमें भी इसकी इसके केमिकल की बनी हुई क्रीम लगाई जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है कंडीशन। आई बात समझ में, यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत है इसमें, इसके बारे में आप जाने। नाउ दिस जीनस कंटेन्स ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, यहां पर ऑर्गेनिक सल्फर, ऑर्गेनो सल्फर या ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे GI ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, एंड देयर दे आर कन्वर्टेड इंटू एंटी ऑक्सीडेंट। तो ये ब्लड में एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। प्याज और लहसुन काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से युक्त हैं, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। चलिए बच्चों मूली की बात कर लेते हैं। रेफिनस सेटाइवस यानी कि मूली, ये सरसों की फैमिली को बिलोंग करता है, ब्रासिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है, राइट। सो दिस इज रेफिनस सेटाइवस या मूली जिसको कहते हैं, रेडिश। सो रेडिश इज एन एडिबल रूट वेजिटेबल ऑफ द फैमिली ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी यानी कि मस्टर्ड फैमिली को बिलोंग करता है, ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है। दे आर ग्रोन एंड कंज्यूम थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मूली को खाने का चलन है, फैशन है, एंड दे आर यूजली ईटेड एज रॉ, सैलड में इसको यूज सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड वाइड सैलड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रॉ, एज अ क्रंची सैलड वेजिटेबल। इसके अलावा कुकिंग वैरायटीज में भी इसको कहीं कहीं पर यूज किया जाता है। इनफैक्ट हमारे दक्षिण भारत में जो सांभर बनता है उसमें भी मूली पड़ती है, क्योंकि सांभर में तो बहुत सारी सब्जियों का मिश्रण होता है। नाउ देयर आर न्यूमरस वैरायटीज वेरिंग इन साइज, फ्लेवर, कलर, लेंथ ऑफ टाइम दे टेक टू मेच्योर, यानी कि कितने दिनों में उनकी मेच्योरिटी होती है, कितना साइज होता है, कैसा फ्लेवर होता है। किसी किसी में बड़ा क्रंची सा फ्लेवर आता है जो ब्रासिकेसी फैमिली के लिए विख्यात है। फ्लेवर, कलर, लेंथ सब कुछ अलग अलग कई तरह की पाई जाती है। नाउ पैंथेरा टिग्रिस, इसके बारे में कौन नहीं जानता, सबको पता है पैंथेरा टिग्रिस हमारे देश का गौरव, राष्ट्रीय पशु है हमारा। Panthera tigris is the national animal of our country. इतना mighty animal है, top predator है, जाहिर सी बात है इसको ही national animal बनने का गौरव प्राप्त होना चाहिए, है ना। इसको mythological stories के साथ भी जोड़ा जाता है।
ये दुर्गा माता की सवारी के रूप में भी देखा जाता है। तो टाइगर हर तरह से कहीं ना कहीं आपने एक चीज देखी होगी, चाहे वो पीकॉक हो चाहे टाइगर हो, जो इस तरह की माइटीएस्ट थिंग है हमारी कंट्री में, उनको किसी ना किसी तरह से कभी कभी कुछ लोगों की भावनाओं के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि लोग इनकी देखभाल ज्यादा अच्छे से करते रहें। समझ में आई बात? तो देख लीजिए जी, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस के बारे में हम तो पहले भी बात कर चुके हैं, एक सेशन भी लिया है। सो टाइगर इज आवर नेशनल प्राइड, इट इज द बिगेस्ट स्पीशीज ऑफ द कैट फैमिली। यहाँ पर बहुत सी सब स्पीशीज पाई जाती हैं। अब कई सब स्पीशीज या तो इंडेंजर्ड हैं या ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है बच्चों, और इसका प्रमुख कारण है इंसान। ह्यूमंस आर द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस थ्रू हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट इनके रहने की जगह ही कम कर दी जाए, और कई बार तो शेर आदमखोर भी हो जाते हैं बच्चों, उसके लिए भी इंसान ही जिम्मेदार है। यानी कि इंसान ही वो प्राणी है इस पूरे जगत में जो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को, पूरी दुनिया के पर्यावरण को, पूरे दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को जैसे चाहे वैसे रखता है। इंसान चाहे तो शेरों की तादाद बढ़ जाए, और इंसान चाहे तो ये शेर खत्म ही हो जाए। दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो आप समझ लीजिए हमारा डिटर्मिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिटरमाइंड हो जाएं तो इस लॉस को हम गेन में बदल सकते हैं, ये क्षमता हमारे में होती है, राइट? तो हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। आगे बढ़ते हैं जी। इक्वस कैबालस, मॉडर्न हॉर्स। इक्वस के बारे में हम इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रिमिटिव हॉर्स जो कि 11 इंच का होता था उसके फॉसिल्स मिले हैं, और आज का मॉडर्न हॉर्स देख लीजिए 4 फीट की हाइट का है कम से कम। तो इक्वस कैबालस विच इज द हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट जीव है। हॉर्सेज आर अडैप्टेबल एंड ऑक्यूपाई अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स अंडर डोमेस्टिक। अलग अलग हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। प्रेफर्ड हैबिटेट इनके कूल होते हैं, कूल एरियाज, टेम्परेट ग्रासलैंड, यूरोपियन कंट्रीज में टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपीस ये भी ग्रासलैंड है, सवाना ये भी ग्रासलैंड है, बट दे ऑल्सो ऑक्यूपाई सेमी डेजर्ट। यानी कि पूरे कंप्लीट डेजर्ट में तो नहीं रह पाएंगे, कंप्लीट डेजर्ट में तो कैमल ही चलते हैं। सेमी डेजर्ट एरिया, स्वाम्पी एरियाज जहां पर दलदली इलाके हैं, मार्शेज जहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, वुडलैंड जंगली इलाकों में। अब आप सोच लीजिए कितनी वाइड वैरायटी में ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेज हैज लेड टू वाइड वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीड ऑफ हॉर्सेज। कोट वेरी इन कलर फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, रेड कलर के भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, येलोइश हॉर्सेस भी होते हैं। तो बहुत तरह के स्किन कलर भी इनके देखे जाते हैं। स्किन कलर नहीं बोलेंगे इसको, कोट कलर बोलते हैं, क्योंकि हेयर होते हैं, फाइन फाइन हेयर होते हैं इनकी बॉडी में, उसी हेयर की वजह से इनका अलग अलग कलर आता है, डाइवर्सिफिक। डाउकस कैरोटा, तो डाउकस कैरोटा यानी कि गाजर, और गाजर उखाड़ने वाली ये मॉडर्न मशीन देख लीजिए कितना बढ़िया काम करती हुई चली जा रही है। यानी कि पूरा एक असेंबली लाइन के हिसाब से गाजर जो है उखड़ती हुई चली जा रही है। मैनुअल लेबर बचाना बड़ा आसान हो गया आज की डेट में, मैकेनाइज्ड हो गई हैं चीजें। देख लीजिए गाजर कैसे जमीन से निकलती हुई चली जा रही है, और पीछे इसमें कंटेनर होता है, उसी कंटेनर में जाकर के ये कॉन्वेयर बेल्ट के साथ ऐसे लटकते लटकते उस कंटेनर में गिर जाती है, ठीक है? तो यहां पर फुल लेंथ वीडियो तो हमें नहीं मिला, लेकिन हाँ हमने सोचा कि आपको इतना नजारा तो दिखाई दिया जाए कि मॉडर्न हार्वेस्टिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे अनोखे अनोखे हैं। डॉकस कैरोटा, कैरेट है ना, तो कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल विच इज क्रंची टेस्टी हाईली न्यूट्रिशियस। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, जिसको प्रीकर्सर ऑफ वाइटामिन बोलते हैं, वाइटामिन ए मेनली। बीटा कैरोटीन फाइबर होता है, विटामिन ए पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, और इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दे आर अ वेट लॉस फ्रेंडली फूड। अगर हम गाजर खाते हैं तो हमारे यानी कि बॉडी में फूड जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होता है, क्योंकि मिठास भी होती है इनमें, और खास तौर पर इनमें फैट, तो भाई जाहिर सी बात है फैट तो ऑलमोस्ट जीरो फैट हम कह सकते हैं, राइट? तो दे आर वेट लॉस फ्रेंडली फूड, have been linked to lower the cholesterol level and improve the eye health. आँखों के लिए गाजर बहुत important औषधि कह सकते हैं आप, तो गाजर खाना बहुत आवश्यक है। चलिए बात करते हैं Rhinoceros unicornis, जो हमारी कंट्री का है, लेकिन यहाँ जो पिक्चर में आप दोनों के दोनों Rhinoceros देख रहे हैं बच्चों, ये Rhinoceros bicornis है, यानी कि African Rhinoceros है। तो अफ्रीकन राइनोसेरस में और हमारे राइनोसेरस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारे राइनोसेरस में एक सींग होती है, और वो भी इतनी लंबी नहीं होती। आप देखिए इसकी सींग कुछ ज्यादा ही लंबी है, ये देख लीजिए इसकी सींग जो दिख रही है आपको, ये कुछ ज्यादा लंबी है। हमारा जो इंडिया
का राइनोसेरस है जो कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, उसकी भी सींग होती है, लेकिन वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसकी बड़ा ज्यादा पॉइंटेड होती है। और इस सींग में बच्चों हड्डियां नहीं होती, केराटिन होता है, यानी कि हेयर होते हैं, हेयर का टफ्ट होता है, वही सॉलिडिफाई हो जाता है, केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। इसकी सींग की बहुत ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से गैंडों की बहुत तेजी से तादाद घट रही है, क्योंकि पोचिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इनको मार करके इनकी सींग का जो है इंटरनेशनल मार्केट में इलीगल तरीके से खरीद फरोख्त होती है। नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियन राइनोसेरस। इंडियन राइनोसेरस ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस एंड ग्रेट इंडियन राइनोसेरस इज अ राइनोसेरस स्पीशीज नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN। IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड डेटा लिस्ट है, उसमें इसको वल्नरेबल प्रजाति बताई गई। 2,500 से ज्यादा नहीं है अभी के डेट में वाइल्ड में, संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक समय तो ऐसा था ये 1800 तक घट के पहुंच गए थे। द इंडियन राइनोसेरस हैज अ थिक ग्रे ब्राउन स्किन विद पिंकिश स्किन फोल्ड एंड वन हॉर्न ऑन इट्स स्नाउट। इसके स्नाउट पर एक हॉर्न है। अब आपको मैं बता दूं अफ्रीका में पाए जाने वाले राइनोसेरस बाइकॉर्निस के बारे में। वैसे तो राइनोसेरस की कई प्रजातियां हैं, लेकिन अफ्रीका में दो प्रमुख प्रजातियां हैं, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो और सदर्न व्हाइट राइनो। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो एक सब स्पीशीज है। उस नॉर्दर्न व्हाइट राइनो में आज से 25 साल पहले 4 मेंबर बचे थे। आज से 25 साल पहले 4 मेंबर बचे थे और उन 4 में एक मेल था जिसका नाम था सुदान और 3 फीमेल थी। तो अभी 2 साल पहले वन ऑफ द फीमेल जिसका नाम था नोला, उसकी डेथ हो गई। और अभी पिछले साल इंफॉर्मेशन आई थी कि जो ओनली रिमेनिंग मेल राइनोसेरस था नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का, जिसका नाम था सुदान, उसकी भी डेथ हो गई। अब सो कॉल्ड सिर्फ 2 फीमेल्स बची हैं, यानी कि प्रजाति के आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। लेकिन गुड थिंग इज कि साइंटिस्ट ने जर्म प्लाज्म में जो सुदान था, मेल राइनो था, उसका स्पर्म स्टोर कर लिया। क्वेश्चन है कि जब 25 साल पहले 4 बचे थे तो उनको आगे ब्रीड कराने की कोशिश क्यों नहीं हुई। बच्चों बहुत कोशिश हुई, लेकिन चूंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया था, उनका हैबिटेट चेंज हो गया था, उसकी वजह से उनके बीच में मतलब फर्टिलाइजेशन कभी हुआ ही नहीं। और आज से 25 साल पहले टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उनकी एज भी बढ़ती गई, तो चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन भी कम होते चले गए। लेकिन साइंटिस्ट ने अभी भी उसके स्पर्म को, सीमेन को स्टोर करके रखा हुआ है। और ऐसी जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उसका दूसरा सब स्पीशीज है सदर्न व्हाइट राइनो, उसकी सुरोगेट मदर को यूज करके इस प्रजाति को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करी जाएगी। लेट्स सी हाउ मच आवर साइंटिस्ट विल बिकम सक्सेसफुल। लेकिन जरूरी है बच्चों, इन प्रजातियों को संजो करके रखना धरोहर है। जब कोई रहेगा ही नहीं दुनिया में, खाली इंसान ही रहेगा, तो आप सोचिए बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत तरह की दिक्कत है, नॉट ओनली द बैलेंस। नाउ इक्वस क्वैगा। अब इक्वस कैबेलस तो हॉर्स था, इक्वस क्वैगा यानी कि ये सब एक ही जीनस को हैं, चाहे वो जीब्रा हो चाहे वो हॉर्स हो, ये एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, स्पीशीज अलग अलग है। इक्वस क्वैगा, अब आप देख लीजिए इक्वस क्वैगा जीब्रा। द कॉमन जीब्रा इज द मोस्ट कॉमन एंड ज्योग्राफिकली वाइड स्प्रेड स्पीशीज ऑफ जीब्रा। इट्स रेंज इज फ्रेगमेंटेड। इसके रेंज में फ्रेगमेंटेशन हो गया, बहुत सी कंट्रीज बस गई हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, है ना, बहुत से शहर आ गए हैं, तो फ्रेगमेंटेशन होना बड़ा कॉमन है। इसका जो रेंज है वो फ्रेगमेंटेड है, लेकिन स्पैन्स मच ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। सहारा डेजर्ट जो पड़ता है अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं बच्चों, सहारा डेजर्ट का जो साइज है हमारी कंट्री से 3 गुना बड़ा है। उतना बड़ा रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इंडिया का ट्रिपल साइज है सहारा डेजर्ट। उसके नॉर्थ में जो अफ्रीका का पार्ट होता है, जिसको हम इक्वेटोरियल अफ्रीका कहते हैं, उस पूरे के पूरे इक्वेटोरियल अफ्रीका में बहुत से प्रजाति जीब्रा के फैले हुए हैं। समझ में आई बात? सो मेनी स्पीशीज ऑफ जीब्रास आर वाइड स्प्रेड देयर। इसकी 6 सब स्पीशीज रिकॉग्नाइज करी गई है, इंक्लूडिंग द एक्सटिंक्ट क्वैगा। एक स्पीशीज है क्वैगा, जो जीब्रा की तरह ही दिखने वाला एक जीव था, वो अब एक्सटिंक्ट हो गया है। पहले माना जाता था कि वो सेपरेट स्पीशीज है, बाद में रिसर्चर्स ने प्रूफ किया कि वो एक सब स्पीशीज है, वो कोई सेपरेट स्पीशीज नहीं है, वो एक सब स्पीशीज है जीब्रा की। तो जीब्रा देख लीजिए, जीब्रा को हमने जरूर देखा होगा, ऐसे धारी वाला। जीब्रा को एक और चीज के लिए बड़ा फेमस माना जाता है बच्चों, जीब्रा क्रॉसिंग।
सड़कों पर आपने देखा होगा जहां पर लाल बत्ती होती है, रेड लाइट या ग्रीन लाइट सिग्नल्स होते हैं, वहां पर एक जीब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। जीब्रा क्रॉसिंग इसी जीब्रा को देख करके ईजाद करी गई थी, क्योंकि इसकी जो धारियां हैं, ब्लैक एंड व्हाइट धारियां हैं, ये बड़ा अच्छा यानी कि आईज को एक अट्रैक्टेंट देती है। कहीं पर भी आप इस तरह की स्ट्राइप्स देखें, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करता है। तो ऐसी ही स्ट्राइप रोड पर बनाई गई, क्योंकि देखिए बच्चों, रोड के ऊपर ब्लैक कलर की मेटल रोड होती है ज्यादातर, उसके ऊपर अगर व्हाइट पेंट करेंगे तो दिखाई तो देगा, लेकिन कंप्लीट व्हाइट पेंट कर देंगे तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो इसी से अब किसने बनाया ये जीब्रा क्रॉसिंग, ये हमारे बायोलॉजी का सिलेबस नहीं है, तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि जीब्रा क्रॉसिंग ईजाद किसने किया, लेकिन जीब्रा क्रॉसिंग होता है ये तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं आपको, राइट। बड़े मस्कुलर एनिमल्स होते हैं ये, चाहे हॉर्स हो गया चाहे जीब्रा हो गया, ये बड़े मस्कुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में फैट कम मसल्स ज्यादा होते हैं। और आपको एक बात और जानकर के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में यानी कि मीट तो बहुत तरह के खाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे हॉर्स मीट को खाना कोई भी पसंद नहीं करता, हॉर्स हो गया या जीब्रा हो गया, लेकिन अफ्रीका में जो जनजातियां हैं वो इसके मीट को खाती हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है उनके लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी। एक और चीज मैंने आपको पीकॉक के बारे में नहीं बताई, पीकॉक को आज की डेट में हमारी कंट्री में पीकॉक को मारना अपराध है, क्योंकि नेशनल बर्ड है तो पीकॉक को हम मार नहीं सकते हैं, लॉ से उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन एक जमाना था कि जब मेडिवल यूरोप में पीकॉक के मीट को हाईली लग्जूरियस आइटम माना जाता था और लोग पीकॉक को खाते थे। तो पीकॉक को जब खाते थे तो वो करते क्या थे, पीकॉक के पंख निकाल लिए जाते थे, पूरे के पूरे पीकॉक को रोस्ट कर देते थे, और उसके बाद जब टेबल में सजाते थे तो पंख फिर से लगा देते थे, यानी कि ये फीलिंग देने के लिए कि भाई आप पूरा का पूरा पीकॉक ही खा रहे हैं। तो ये एक अनोखी डेलिकेसी मानी जाती थी, लेकिन आज की डेट में पीकॉक को किसी भी तरह से हानि पहुंचाना हमारे हक में नहीं होगा, क्योंकि लॉ ने उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, नेशनल बर्ड है। आप चिकन खाइए, चिकन के लिए मनाही नहीं करी गई है, लेकिन पीकॉक को आप कुछ नहीं करेंगे। अब एक और चीज समझ लीजिए, पीकॉक को हमारे देश में दो ऐसे राज्य भी हैं जहां पर इसको एज अ पेट रखा जाता है, गुजरात में और राजस्थान में बहुत से लोग पीकॉक को पेट रखते हैं, यानी कि पालतू चिड़िया बना करके रखते हैं। इसके अलावा और भी इलाकों में आप देखेंगे बहुत पार्क्स वगैरह में पीकॉक बड़े कॉमनली घूम रहे होते हैं, कोई उनको छेड़ता नहीं है, वो अपना वहीं बड़े बड़े पेड़ों में रहते हैं। तो पीकॉक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत इलाकों में पाया जाता है, खूब ज्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट। आगे बढ़ते हैं, जीब्रा हम समझ चुके हैं। अगला, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, बॉस ब्यूबेलस के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ये क्या चीज है, ये है भैंस, इसको कहते हैं भैंस। भैंस हमारी कंट्री में बहुत पुरानी है और हमारी कंट्री की ही नेटिव है, आप ये समझ सकते हैं, वाटर बफेलो के नाम से जानी जाती है। इतनी भारी भरकम होती है, ये बोवाइन है, यानी कि गाय से मिलती जुलती प्रजाति है, इट्स अ बोवाइन एनिमल, है ना। अब ये इतनी भारी भरकम होती है कि ये प्रेफर करती है कि भाई पानी में ही रहे, पानी में, इसी वजह से इसको इंडियन वाटर बफेलो कहा जाता है। आपने देखा भी होगा बड़ी बड़ी भैंसें जब चरने जाती हैं, अगर आसपास कोई तालाब दिख जाता है तो वो प्रेफर करती हैं कि तालाब के अंदर ही चली जाएं, तालाब के पूरे पानी को गंदा कर देती हैं और उसी तालाब में जो है कीचड़ में भी ये आराम से लेट जाती हैं, उसी के अंदर पूरा घुस जाती हैं, है ना, कीचड़ के अंदर भी पड़ी रहती हैं। अच्छा, ओके, सचिन के घर के ऊपर आज पीकॉक भी आया था, क्या बात है, सचिन इज सो लकी, है ना, गुजरात में आपने देखा हुआ। तो अब इसके साथ देख लीजिए, इसके साथ नाम भी है, कुछ कहावतें भी हैं हमारी कंट्री में, जैसे कहते हैं कि जी गई भैंस पानी में, या काला अक्षर भैंस बराबर। तो भैंस इतनी प्रचलित है कि काला अक्षर जब लिखना पढ़ना भी शुरू किया लोगों ने तो उनको भैंस की याद आई कि ये जो काला अक्षर है ये भैंस के बराबर है। अब आप सोच लीजिए कि भैंस कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि साक्षरता जब शुरू हुई हमारी कंट्री में तब भी वहां से कहानी शुरू हो गई कि काला अक्षर भैंस बराबर, और कोई काम बिगड़ जाए तो कहते हैं लो जी गई भैंस पानी में। तो गई भैंस पानी में, इसका मतलब भैंस का पानी के साथ बड़ा रिलेशन है, तगड़ा रिलेशन है, और भैंस का अक्षर के साथ कोई रिलेशन ना होते हुए भी हमें किसी भी अक्षर को देख करके भैंस की याद आती है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। तो ये कहावत कैसे चरितार्थ हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये चलती है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इस भैंस के बारे में।
तो एक चीज और बता दूं बच्चों, इसके जो जीनस है बुबेलस बुबेलिस और बॉस बुबेलस, बॉस बुबेलस भी भैंस है और बुबेलस बुबेलिस भी भैंस है। तो बुबेलस जीनस या बॉस, अच्छा बॉस इंडिकस है ना, इस तरह के भी नाम आपने सुने होंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं गाय के साथ मिलती जुलती प्रजाति है, उसी के आसपास की प्रजाति है। तो अलग अलग तरीके के नाम है। हमारी कंट्री में मुर्रा भैंस काफी फेमस है, राइट। सो बुबेलस बुबेलिस। वाटर बफेलो और डोमेस्टिक वाटर बफेलो इज अ लार्ज बोविड ओरिजिनेटिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इस इलाकों में ये डेवलप हुई है, चाइना में भी देखी जाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखी जाती है। लेकिन टुडे इट इज ऑल्सो फाउंड इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज। अब ये है कि आज कैसे पहुंच गई, लोगों ने इसके फायदे देखे और इसको डोमेस्टिकेट किया गया, उन सब इलाकों में भी लेकर के लोग गए, भैंस को अपने साथ लेकर के गए और भैंस उनके साथ पहुंच गई, है ना। और एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, है ना। एक और कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, मतलब भैंस के ऊपर तो कहावत ही कहावत है, इसकी आंख को लेकर के भी कहावतें बना दी जाती है ना, जिसको कई बार कॉलोकल स्लैंग में भी यूज किया जाता है, तो मैं वो शब्द नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हैं। तो भैंस हमारी कंट्री की इतनी पुरानी जीव है कि इसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों को सिलवस की याद आ रही है इस वक्त, भैंस को देख करके सिलवस की याद आना लाजमी है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो कहावत ही है काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, जैसे पिछले सेशन में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, इस सेशन में भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इस बात की गारंटी है, आप परेशान ना हो इन चीजों को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चे अपनी नेटिविटी की भी बात कर रहे हैं, कोई इंदौर से है, कोई उज्जैन से है, और अगर आप सोचिए जितने बच्चे सेशन में है सब बताने लगे, तो सिंपल टर्म यही होगा कि मैं मान लूं सब सारे के सारे बच्चे इंडिया से ही हैं, है बात की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैंस का दूध काफी ज्यादा फैटी होता है और गाय के दूध से ज्यादा थिक होता है, तो भैंस का दूध जो हमारे ह्यूमन बेबीज होते हैं उनको डाइल्यूट फॉर्म में ही देना चाहिए, यानी कि इसमें फैट कुछ ज्यादा होता है। इसका फैट भैंस का बच्चा ही जो है वो उसको हजम कर सकता, इंसान का बच्चा नहीं हजम कर सकता, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। कई बार होता है कि हम बच्चों को दूध पिलाते हैं और हम चाहते हैं जितना ज्यादा गाढ़ा दूध पी ले बच्चा बड़ा फायदेमंद है, नहीं बच्चों, हर जानवर के दूध का जो मिल्क का कॉम्पोजिशन है वो उसके बच्चों के हिसाब से होता है, तो उसमें ऑल्टरेशन करना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, और जानवर को देखते हैं। सोलेनम मिलोंजीना जानवर नहीं है ये, तो प्लांट है, सब्जी भी कहते हैं इसको, वैसे टेक्निकली बायोलॉजिकली ये फ्रूट है बच्चे, ये एक फ्रूट है जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, क्योंकि ये मीठा नहीं होता तो हम केले और आम की तरह नहीं खा सकते, है बात की नहीं। सोलेनम मिलोंजीना यानी कि बैंगन द ब्रिंजल, इसका नाम इतना ज्यादा फेमस है कि इसको बैंगन राजा के नाम से भी जाना जाता है। बैंगन राजा क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिए इसके सर पर एक मुकुट होता है, उसकी वजह से इसको राजा की पदवी दी गई है, ये रहा मुकुट, ये इसका जो मुकुट है। और ये मुकुट है क्या, बायोलॉजिकली स्पीकिंग ये मुकुट है क्या चीज, तो बच्चों ये मुकुट जो आप देख रहे हैं ये परसिस्टेंट कैलेक्स है, जो टमाटर में भी आपको दिख जाता है, मिर्ची में भी आपको दिख जाता है, ये परसिस्टेंट कैलेक्स होता है, यानी कि सोलानेसी फैमिली का एक प्रमुख जो फीचर है वो है परसिस्टेंट कैलेक्स। परसिस्टेंट कैलेक्स यानी कि कैलेक्स का बने रहना, परसिस्टेंट रहता है कैलेक्स, इसमें मेच्योर कंडीशन तक भी रहता है। ज्यादातर केसेस में हम जिस फ्रूट को भी देखें, कैलेक्स हो गया या कोरोला हो गया, ये पार्ट फ्रूट की यानी कि जब फ्रूट में तब्दील हो जाती है ओवरी, तो ये नहीं रह जाता, लेकिन इस फैमिली में ये कंटिन्यूटी में रहता है। सो ब्रिंजल या सोलेनम मिलोंजीना। ब्रिंजल को बहुत तरीके से खाया जाता है, भरवा बैंगन बनाया जाता है, उसको सब्जी में डाला जाता है, उसको सांभर में डाला जाता है, उसको फ्राई भी किया जाता है, बंगाल में पतली पतली स्लाइस निकाल करके उसको फ्राई कर लिया जाता है, बेगुनेर चौचौड़ी, जो बंगाली बच्चे हैं वो जानते हैं इस चीज को, है ना। सांभर में भी यूज किया जाता है, सब्जी में भी यूज किया जाता है, और भरवा बैंगन भी बड़ा फेमस होता है, जैसे भरवा करेला वैसे भरवा बैंगन, ठीक है। सोलेनम मिलोंजीना नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। सो नाउ ब्रिंजल इज ग्रोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स एडिबल फ्रूट, इसको एग फ्रूट भी कहते हैं, एग प्लांट भी कहते हैं, एग प्लांट यानी कि अंडा वाला प्लांट, अंडा नहीं होता इसमें, बैंगन होते हैं। सो नाउ मोस्ट कॉमनली पर्पल कलर देखने को मिलता है। द स्पॉन्जी एब्जॉर्बेंट फ्रूट इज यूज इन सेवरल क्विजीन्स, बहुत तरह की डिशेज में वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है। अब इसका जो टेक्सचर होता है बच्चे वो स्पॉन्जी होता है, ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा रफेज का सोर्स होता है,
यानी कि जिनको कब्जियत की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, वो अगर बैंगन को खाएं तो उनको उस चीज से भी निजात मिलती है, राइट? क्योंकि स्पॉन्जी टेक्सचर है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, फाइबर काफी ज्यादा देता है और कई मामलों में बड़ा यूजफुल है। नाउ टिपिकली यूज्ड एज वेजिटेबल इन कुकिंग, इट इज अ बेरी बाय बॉटनिकल डेफिनेशन। ये एक तरह की बेरी है, जैसे टमाटो इज अ बेरी, तो वैसे ही बैंगन का जो फ्रूट है वो भी बेरी कहलाता है। एज अ मेंबर ऑफ जीनस सोलेनम, इट इज रिलेटेड टू टोमेटो एंड पोटैटो। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई पोटैटो में तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, पोटैटो में तो बच्चों कैसे देखेंगे, पोटैटो जो हम खाते हैं वो फ्रूट तो है नहीं ना, उसको हम वेजिटेबल जरूर कहते हैं, लेकिन वो है वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। जो पोटैटो यानी कि जो आलू हम खाते हैं वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। अगर आप पोटैटो प्लांट को ग्रो करने दें, उसमें भी फ्लावर आएंगे, उसमें भी फ्रूट होंगे, तो आप देखेंगे कि पोटैटो का जो फ्रूट होता है वो बिल्कुल टमेटो के जैसा ही होता है। तो पोटैटो का फ्रूट टमेटो के जैसा ही होता है, टमाटर जैसे होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, थोड़े कड़वे होते हैं, इसलिए वो नहीं खाए जाते, तो आलू का भी है ना। इसके अलावा आपने सोलेनम ज़ैंथोकार्पम भी देखा होगा। सोलेनम ज़ैंथोकार्पम एक कटीला प्लांट होता है, कटीली झाड़ी होती है, जिसमें भी छोटे छोटे बैंगन आते हैं, राइट? तो बैंगन नुमा प्लांट जो है, यानी कि सोलेनेसी फैमिली के मेंबर बहुत सारे हैं, सोलेनेसी फैमिली में बहुत सारे हैं। सोलेनम निग्रम भी होता है, जिसको मकोए कहते हैं, छोटे छोटे फ्रूट आते हैं। सोलेनम डुल्का मारा भी होता है, रेड कलर के पॉइजनस फ्रूट होते हैं, जिसको होम्योपैथिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। स्किन डिजीजेस में सोलेनम डुल्का मारा की दवा यूज करी जाती है। तो देख लीजिए, मैंने सोलेनेसी फैमिली के बारे में कई मेंबर्स के बारे में बता दिया। एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट, विथेनिया सोमनीफेरम, जिसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है, वो भी इसी सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मेरे ख्याल से अब आप नहीं भूलेंगे सोलेनम मिलोंजिना का नाम, इसको दिमाग में अंकित कर लीजिए, बिल्कुल बिठा लीजिए। सो दिस इज सोलेनम मिलोंजिना, यानी कि बैंगन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कैनिस लुपस जो आज का हमारा मेन थीम में था, भेड़िया, बड़ा ही मैजेस्टिक जीव है, ये देख लीजिए कैनिस लुपस, बर्फीले इलाकों में भी पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे जो डॉग्स होते हैं वो सब डोमेस्टिकेटेड वैरायटी हैं इसी भेड़िए के, डोमेस्टिकेटेड वैरायटी ऑफ वुल्फ, और ऐसे डोमेस्टिकेटेड किए गए कि उन्होंने अपनी जंगलीपन या भेड़िया कह सकते हैं, इंसान से इंसानियत तो भेड़िए से क्या कह सकते हैं, आप खुद ही अनुमान लगा लें, वो टेंडेंसी छोड़ दी। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुए हैं, इस बात को लेकर के कि भाई भेड़िए से डॉग में कैसे कन्वर्ट हो गया, भेड़िया तो इतना खूंखार होता है, इससे डॉग में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों यहीं पर बात आती है वेरिएशंस की। आपको जानकर के हैरानी होगी कि भेड़ियों में कुछ भेड़िए ऐसे बने वेरिएशंस की वजह से, जिनके अंदर एग्रेसिवनेस के जो केमिकल्स हैं, एड्रेनलिन वगैरह, उसका सिक्रीशन कम होता था, एड्रेनलिन का सिक्रीशन कम होता था किसी किसी में, बाय डिफॉल्ट मिल गया। तो इंसान भी जंगलों में रहते थे, किसी इंसान की ऐसे किसी भेड़िए से मुलाकात हो गई होगी, जिस भेड़िए ने उस इंसान के ऊपर हमला नहीं किया, एग्रेसिवनेस नहीं दिखाया, और सो कॉल्ड इंसान से थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई। बस यही गलती कर गए भेड़िए, इंसान से जैसे ही थोड़ी सी दोस्ती हुई, इंसान ने उसको प्रलोभन देकर के अपने रहने के इलाके के आसपास उसको ले जाना शुरू कर दिया। अब उस भेड़िए को, जिसमें एड्रेनलिन की कमी थी थोड़ी सी, उसको लगा कि नहीं, इंसान बड़े अच्छे होते हैं, वो इंसानों के साथ घुल मिल गया। इंसानों के साथ जब घुल मिल गया तो इंसान ने देखा मौका अच्छा है और उसको बांध लिया। अब आगे की जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो उनमें भी वही एड्रेनलिन कम हो गया, यानी कि एक तरह की सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो गई। अब कहानी यूं बन गई कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके एक नई ही, हम कह सकते हैं, सब स्पीशीज बन गई। हालांकि स्पीशीज कैनिस लुपस ही है, एक सब स्पीशीज बन गई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुत्ता एक सब स्पीशीज नहीं है, डॉग वो अलग ही स्पीशीज है, जीनस सेम है, स्पीशीज अलग है, लेकिन कुछ का मानना है कि ये वुल्फ की जैसी ही एक सब स्पीशीज है। अब क्वेश्चन है कि इसका प्रूफ क्या है सब स्पीशीज। अभी रिसेंट ईयर्स में ऐसा करके देखा गया है कि जो वुल्फ है, कैप्टिविटी में वुल्फ और डॉग की मेटिंग कराई गई, वुल्फ और डॉग की मेटिंग कराने से जो प्रोड्यूस हुई ऑफस्प्रिंग वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थी। इसका मतलब है कि सेम स्पीशीज है,
इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ सब स्पीशीज जरूर है, क्योंकि कुत्ते और भेड़िए में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कुत्ते को तो हम रोटी भी खिला देते हैं, चावल भी खिला देते हैं, भेड़िया नहीं खा पाएगा, भेड़िया ऐसा स्टार्ची फूड नहीं खा पाएगा, इसको तो चाहिए रॉ मीट। समझ गए बात डिफरेंस। तो चलिए बात करते हैं इस भेड़िए के बारे में, कैनिस लूपस, नाम याद रखिएगा। द वुल्फ और द ग्रे वुल्फ, भूरा भेड़िया, वुल्फ जिसको कहते हैं या ग्रे वुल्फ कहते हैं, इट इज अ लार्ज कैनाइन नेटिव टू यूरेशिया, ये यूरेशिया को बिलोंग करता है। यूरेशिया का मतलब क्या हुआ, यूरोप और एशिया के इलाकों में, यानी कि सेंट्रल एशिया और यूरोप के पार्ट, जो नॉर्दर्न एरियाज है जहां पर थोड़ा सा बर्फ वगैरह गिरती है, ऐसे इलाकों में ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सो इट इज अ नेटिव टू यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी इनका काफी विस्तार है। More than 30 subspecies of Canis lupus have been recognized. अब आप खुद ही सोच लीजिए कि 30, करीब 30 subspecies, इससे भी ज्यादा recognize करी गई हैं world wide, उनमें से dog भी एक है। So now the global wild wolf population was estimated to be 3 lakh in 2003. इतनी ज्यादा तादाद में ये फैले हुए हैं 2003 में। आप northern part of रशिया पहुंचिए, यानी कि रशिया में आपको काफी ज्यादा दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि वो यूरेशिया का पार्ट आता है, यूरोप और एशिया मिले हुए हैं उस इलाके में। मंगोलिया में भी आपको दिखाई दे जाते हैं वाइल्डरनेस में, है ना, ग्रासलैंड में भी देखने को मिलते हैं, प्रायरीज वगैरह में। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ लीस्ट कंसर्न बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो इसके डेफिनेशन में बाद में ऐड किया गया IUCN के फुल फॉर्म में, राइट। सो इट इज ऑफ लीस्ट कंसर्न, यानी कि इसको कोई खतरा नहीं है, इसने अपने आप को बहुत अच्छे से अडैप्ट कर लिया है। द वुल्फ और द ग्रे वुल्फ, जो भेड़िया है ये बड़ा खतरनाक जीव है, इसने अपने आप को बहुत अच्छे से अडैप्ट कर लिया। भेड़ियों से रिलेटेड बहुत सी कहानियां प्रचलित है बच्चों, आपने सुनी होंगी, और कुछ कहानियां तो ऐसी भी हैं कि भेड़िए ने इंसान के बच्चे को कहीं से उठा लिया और उसको मारा नहीं, उसको अपने अपने बच्चों के साथ ही डेवलप किया। ऐसी एक कहानी द जंगल बुक में, जो रुडयार्ड किपलिंग की लिखी किताब है जंगल बुक, उसमें मोगली का जिक्र आता है। तो मोगली एक इंसानी बच्चा होता है जो भेड़ियों के बीच में पला बढ़ा है, भेड़ियों के बीच में पला बढ़ा है। तो भेड़िए की कहानी बहुत पुरानी है और हमारे कल्चर के साथ काफी ओतप्रोत है, जुड़ा हुआ है। पैंथेरा लियो, मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल, कैमोफ्लेज की अद्भुत क्षमता देख लीजिए, मैदानी घास के मैदानों में पाया जाता है, और इसके बॉडी का कलर और सूखी हुई घास का कलर लगभग सेम होता है। तो पैंथेरा लियो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग कैट्स, और टाइगर से विपरीत इसमें थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलती है। जो मेल होते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मेन्स होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से होता है, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ता है तो मेल में मेन आ जाती है। इसका रिसर्च किया गया, फीमेल पैंथेरा लियो यानी कि लायन शेरनी में टेस्टोस्टेरोन का एक्स्ट्रा डोज दिया गया, और शेरनी में भी इस तरह के बाल से निकल आए, हेयरी आउटग्रोथ हो गई। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है पैंथेरा लियो का ये स्ट्रक्चर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यंग लायन में ज्यादा बड़ी मेन होती है कंपेयर टू ओल्ड लायन, क्योंकि ओल्ड लायन में फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाते हैं। तो बूढ़े शेर में ये जो जिसको हम शेर की दाढ़ी भी कह सकते हैं, बाल भी कह सकते हैं, मेन कहते हैं, तो ये दिखाई दे जाता है, ठीक है। पैंथेरा लियो, लायन इज अ स्पीशीज इन द फैमिली फेलिडे, फेलिडे यानी कि कैट फैमिली, जो बिल्ली का परिवार है उसी का एक स्पीशीज है, एंड इट इज अ मेंबर ऑफ द जीनस पैंथेरा, पैंथेरा जीनस का मेंबर है। पैंथेरा जीनस के कई मेंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डुस, पैंथेरा ऑनका, तो इस तरह के बहुत से मेंबर्स हैं पैंथेरा जीनस को, काफी बड़ा जीनस। नाउ इट इज अ सोशल स्पीशीज है बच्चों, ये एक सोशल स्पीशीज है, फॉर्मिंग ग्रुप कॉल्ड प्राइड, वी कॉल प्राइड ऑफ लायन, प्राइड ऑफ लायन किसको कहा जाता है, इनके ग्रुप को, इनके झुंड को। लायन प्राइड कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू एडल्ट मेल्स, रिलेटेड फीमेल्स एंड कब्स, मेल्स इनके जो है रहते परिवार के साथ साथ लेकिन दूर दूर रहते हैं। ये चीज आपने देखी होगी, आपने किसी टीवी चैनल में भी कभी इनके बारे में जरूर देखा होगा। टाइगर से विपरीत होते हैं, टाइगर का बच्चा तो 2 साल का होते ही अपनी मदर से दूर हो जाता है, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं, टाइगर अकेले रहना पसंद करते हैं, घने जंगल में रहना पसंद करते हैं, ये खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, फैमिली में रहना पसंद करते हैं, बड़ा फैमिली वाला जीव है, है ना। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इसको नेशनल एनिमल क्यों नहीं बनाया। बच्चों देखिए, नेशनल एनिमल बनाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन,
एडप्टेशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ गिर फॉरेस्ट में है हमारी कंट्री में, गुजरात में पाया जाता है बात की नहीं। और टाइगर बहुत जगह पाया जाता है, टाइगर साउथ इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। तो टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है बच्चों, और टाइगर की संख्या भी ज्यादा है इसके कंपैरिजन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी बड़ा अनोखा जीव है, और बनाने को तो बहुत से जीवों को बनाया जा सकता था नेशनल एनिमल, लेकिन कुछ पैमाने डिसाइड किए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए जाते हैं। उन पॉइंट्स में ऑब्जर्व किया जाता है कि खरा बैठ रहा है कि नहीं, अगर उन पॉइंट में खरा बैठेगा तभी बनता है, ठीक है। तो लायन इज एन एपेक्स प्रीडेटर और की स्टोन स्पीशीज है, की स्टोन स्पीशीज। इसको अगर इसके हैबिटेट से निकाल दिया जाए तो वो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Typically, the lion inhabits grassland and savannas, but is absent in dense forest. घने जंगल में lion नहीं देखने को मिलता। एक और चीज समझ लीजिए, lion और tiger साथ साथ किसी एरिया में नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही apex predator हैं, keystone species हैं, और दोनों का जो niche है वो same है। अब ये niche क्या है, इसके ऊपर YouTube पर मैंने बहुत session लिए, niche के बारे में चर्चा करी है, यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट। किसी भी प्रजाति का रहने के इलाके को तो हैबिटेट कहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उसका फंक्शन क्या है वो कहलाता है उसका निश। तो निश अलग होना एक यानी कि बहुत जरूरी चीज है, और लायन और टाइगर दोनों का निश सेम है, तो एक ही एनवायरनमेंट में दोनों के दोनों नहीं रखे जा सकते। लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, अफ्रीकी हाथी। एलिफस मैक्सिमस भी है, इंडियन हाथी जो है वो एलिफस मैक्सिमस है, वो भी नाम याद रखिएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजाति वाला जीव है, लैंडेड जमीन पे पाए जाने वाला सबसे विशाल काय जीव एलिफेंट लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना ही है। एलिफस मैक्सिमस इंडियन एलिफेंट, थोड़ा साइज में छोटा होता है। तो इंडियन एलिफेंट की जो हाइट है वो 10 फीट तक जा सकती है ऊंचाई, इसकी जो हाइट है बच्चों वो 13 फीट तक जाती है, और इसके टस्क जो होते हैं, जो इसके दांत होते हैं, वो भी बड़े विशाल काय होते हैं। सो दिस इज लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना। अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल विथ बुल्स रीचिंग शोल्डर हाइट ऑफ अप टू 3.96 मीटर, 13 फीट की हाइट तक ग्रो कर जाते हैं बुल्स। इनके जो मेल होते हैं उनको बुल्स कहते हैं, और जो फीमेल होती है उनको काउस कहते हैं। नाउ इट इज अ हर्बीवोर, हर्बीवोर है, ग्रासेस को खाता है, क्रीपर्स यानी कि जो क्रीपर प्लांट्स होते हैं क्रीपर क्लाइंबर, हर्ब्स को खाता है, जड़ी बूटियों को भी खा लेता है, पत्तियों को भी खा लेता है, और बार्क भी खा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ के तने को भी खा जाता है ये, तो ट्री के बार्क को भी खा जाता है। और स्पेसिफिकली पीपल वगैरह वृक्ष मिल गए जिनके बार्क थोड़े से कमजोर होते हैं, उनको तो अपनी सूंड से फंसा करके डालों को तोड़ लेता है और उनको बीच बीच में से चीर चीर कर खा जाता है। तो बार्क को भी खा लेता है, कोमल टहनियों को भी खा जाता है, बनाना पूरे के पूरे पेड़ को खा जाता है, पूरे के पूरे बनाना पेड़ को खा जाता है, प्लांटेन जिसको कहते हैं मूसा पैराडाइजिएका, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जीनस को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली सीरीज में, मूसा पैराडाइजिएका, जिसको कैरोलस लिनियस ने नामकरण किया था, ठीक है। नाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 37 अफ्रीकन कंट्रीज, 37 अफ्रीकी देशों में पाया जाता है लॉक्सोडोंटा हाथी, एंड इनहैबिट्स फॉरेस्ट ग्रासलैंड वुडलैंड वेटलैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि यह हर जगह पाया जाता है। हमारी कंट्री का जो हाथी होता है भारतीय हाथी, वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, एलिफस मैक्सिमस, और हमारी कंट्री में भी हाथी बहुत जगह पाए जाते हैं। हाथी हमारे राजा जी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, हाथी जो है द्वार्स में पाए जाते हैं, जो हिमालयन का फुट हिल्स होता है ऐसे इलाकों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी बहुत से पालतू हाथी रखे जाते हैं, यानी कि हाथियों का विशेष प्रचलन है ना। और हमारे कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साउथ इंडिया में तो मंदिरों में आपको हाथी दिख जाते हैं, मंदिरों के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ जिंजीबर ऑफिसिनेल यानी कि अदरक, अदरक हम सब जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह का मसाले में पड़ने वाली चीज है, राइजोम। इसको सब्जी के रूप में नहीं खाते, ये स्पाइस है, स्पाइस यानी कि मसाला। जिंजीबर ऑफिसिनेल दिस इज को मसालों में शुमार करा जाता है, जिंजीबरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, राइजोम ऑफ जिंजर वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आपने नाम सुना हुआ है, राइजोम के नाम से प्रचलित है, राइजोम ऑफ जिंजर हम सब जानते हैं इसके बारे में। जिंजर इज अ फ्लावरिंग प्लांट हुज राइजोम, जिसको कहते हैं जिंजर रूट और जिंजर, इज वाइडली यूज्ड एज अ स्पाइस एंड अ फोक मेडिसिन। अब ध्यान दीजिए, जिसको हम जिंजर रूट कहते हैं बच्चों, ये एक्चुअली मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है,
लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम इसको जड़ ही कहते हैं, यानी कि कंद नहीं कहते, मूल कहते हैं, जमीन के अंदर होता है जनरल लैंग्वेज में। लेकिन बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसका जो नीचे का राइजोम होता है वो भी देख लीजिए। राइजोम इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज यूज्ड एज अ स्पाइस, मसाले में यूज किया जाता है, और फोक मेडिसिन, यानी कि जो रूरल एरियाज में लोकल मेडिसिन होती है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूसेज है, बड़ा जिक्र है। इट इज अ हर्बेशियस पेरिनियल एंड प्रोड्यूसेस क्लस्टर्स ऑफ व्हाइट एंड पिंक फ्लावर बर्ड दैट ब्लूम्स इनटू येलो फ्लावर, पीले पीले फूल होते हैं, पिंक कलर के इसके बर्ड आते हैं और जब खिलते हैं तो वो येलोइश, यानी कि येलो और पिंक का मिक्सचर होता है। जिंजीबरेसी फैमिली का मेंबर है, इसके बारे में आप जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैनिस लुपस फैमिलियारिस, यानी कि इंसान का सबसे जिगरी दोस्त, जिसको जबरदस्ती दोस्त बना लिया गया था और वो दोस्त बन भी गया और ऐसा वफादार निकला कि इंसान का साथ ये नहीं छोड़ता, इससे रिलेटेड बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। कैनिस लुपस फैमिलियारिस, अब ये कैनिस लुपस यानी कि भेड़िए की ही स्पीशीज है, लेकिन फैमिलियारिस जो अगला टर्म लग गया वो बच्चे सब स्पीशीज है, जैसे कैबेज में देखते हैं, है ना, ब्रासिका ओलिरेसिया, तो ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटाटा, ब्रासिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलिरेसिया इटालियाना, इस तरह के बड़े सारे नाम हैं। तो कैनिस लुपस फैमिलियारिस उसी चीज का है। अब आप ध्यान दीजिए, आज की डेट में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं चलता, तो उस नोमेनक्लेचर के हिसाब से कैनिस लुपस होना चाहिए, और कैनिस लुपस तो भेड़िए की भी प्रजाति है। तो कई रिसर्चर्स का ऐसा मत है, कई साइंटिस्ट का ऐसा मत है कि डॉग की जो प्रजाति है, जो स्पीशीज है, उसको कैनिस फैमिलियारिस कहा जाना चाहिए, कैनिस फैमिलियारिस, लुपस हटा देना चाहिए। लेकिन बच्चों, जब इनको भेड़िए के साथ ब्रीडिंग कराई गई तो देखा गया कि ये भेड़िए के साथ बखूबी ब्रीड कर लेते हैं, बड़ी आसानी के साथ ब्रीड कर लेते हैं, फर्टाइल ब्रीडिंग हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस वजह से इनका जो जीनस और स्पीशीज है वो कैनिस लुपस फैमिलियारिस के नाम से ही रखा गया। आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। तो डॉग इज अ डोमेस्टिकेटेड कार्निवोरन ऑफ द फैमिली कैनिडे, कैनिडे फैमिली का एक कार्निवोर है। इट इज पार्ट ऑफ द वुल्फ लाइक कैनिड्स एंड इज मोस्ट वाइडली अबंडेंट टेरिस्ट्रियल कार्निवोर, ये काफी ज्यादा पाया जाने वाला अबंडेंट टेरिस्ट्रियल कार्निवोर है। समझ में आ गई बात। नाउ देयर लॉन्ग एसोसिएशन विद ह्यूमन हैज लेड डॉग्स टू बी इक्वली अट्यून्ड टू ह्यूमन बिहेवियर एंड दे आर एबल टू थ्राइव ऑन अ स्टार्च रिच डाइट दैट वुड बी इनएडिक्वेट फॉर अदर कैनिड, दूसरे कैनिड्स के लिए जो स्टार्च रिच डाइट है ह्यूमन की वो इनएडिक्वेट होगी, लेकिन इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। तो इट इज अ डोमेस्टिकेटेड कार्निवोरन ऑफ द फैमिली कैनिडे और ये वुल्फ लाइक कैनिड का ही पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन के साथ ये बहुत ज्यादा ओत प्रोत भाव से रहने योग्य है, रहता है। अब ध्यान दीजिए, इनका जो लॉन्ग एसोसिएशन था ह्यूमन के साथ, सो द लॉन्ग एसोसिएशन विथ ह्यूमन हैज लेड डॉग टू बी यूनिकली अट्यून्ड टू ह्यूमन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के साथ ये काफी ज्यादा अट्यून्ड है, बिल्कुल एडजस्टेड है, एंड दे आर एबल टू थ्राइव ऑन अ स्टार्च रिच डाइट दैट वुड बी इनएडिक्वेट फॉर अदर कैनिड, जो दूसरे कैनिड्स के लिए बड़ा इनएडिक्वेट मटेरियल हो सकता है, यानी कि वो उसको हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज आप इनके बारे में समझ लीजिए, बड़ी यूनिक चीज है इनके बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी और भी लेते हैं। तो अब आप एक चीज देखिए बच्चे, जब हमने साइंटिफिक नेम की सीरीज ये स्टार्ट करी, इस सीरीज में आपने एक चीज गौर करी होगी, वो ये कि जितने भी नाम हम पढ़ेंगे ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है, और इनको जरा रोचक तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको इनको याद रखने में भी आसानी होती है। तो इसी वजह से मैं इस सीरीज को आपके समक्ष लेकर के आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं। कैट, फेलिस कैटस, तो फेलिस डोमेस्टिका भी कहा जाता है बिल्ली को, फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिका, ये भी बड़ा अनोखा जीव है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो कैट, कैट बिलोंग्स टू फेलिडे फैमिली, यानी कि किसकी फैमिली को बिलोंग करता है, फेलिडे फैमिली, कैट फैमिली के नाम से जाना जाता है, यानी कि शेर और बाघ जो है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिका, कई नामों से जाना जाता है इस बिल्ली को, बिल्ली मौसी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैट इज अ डोमेस्टिक स्पीशीज ऑफ स्मॉल कार्निवोरस मैमल, छोटी स्पीशीज है, कार्निवोरस मैमल की छोटी स्पीशीज है। इट इज द ओनली डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज इन द फैमिली फेलिडे, ध्यान दीजिए बच्चे, कैट जो डोमेस्टिक कैट है ये एक इकलौती प्रजाति है फेलिडे फैमिली की जिसको डोमेस्टिकेटेड किया गया।
इसके अलावा बहुत सी बिल्लियां हैं वो ज्यादातर जंगल में रहना पसंद करती, छोटी बड़ी बहुत तरह की बिल्लियां हैं। लिंक्स इज ऑल्सो अ कैट, सिवेट पाम कैट है ना, इसके बारे जिसके बारे में फेमस है कि वो कॉफी बेरीज को खाती है, एक कॉफी भी बनता है उसके एक्सक्रीटा से, उसका जो एक्सक्रीटा रिलीज होता है उसमें अगर कॉफी के सीड है उनको धुल करके सफाई करके वर्ल्ड मार्केट में उसकी सेलिंग भी होती है। तो नाउ इट इज द ओनली डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज इन द फैमिली फेलिडे एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द डोमेस्टिक कैट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वाइल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अच्छा बच्चों, कैट के साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बहुत से कल्चर्स में इसको किसी ना किसी तरह का बैड ओमेन मानते हैं। ओमेन का मतलब होता है कि एक तरह का सुपरस्टिशियस, एक सिंबल। बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो इस चीज को लेकर के बहुत सी कंट्रीज में बहुत तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। यानी कि लोगों का ऐसा मानना है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो हमें उस रास्ते जाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको आज बताता हूं एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बिल्ली के रास्ता काटने का। जो आप लोगों ने सुना होगा बहुत बहुत, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, आपके घर वाले कहेंगे कि आप आगे ना जाएं उस रास्ते में, रास्ता बदल दें। गाड़ी से लोग कोई जा रहे होते, मैंने देखा बाइकर्स जा रहे हैं और अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दूर उनको दिख गई तो बाइक वहीं रोक करके खड़े हो जाएंगे, पहले वो नहीं जाएंगे, पहले कोई और जाए उस रास्ते से। क्या बिल्ली वाकई में इतनी खतरनाक है? आज मैं आपको बिल्ली के असली वजह के बारे में बताऊंगा कि बिल्ली रास्ता क्यों काटती, ठीक है। डोमेस्टिक कैट्स आर वैल्यूड बाय ह्यूमन फॉर कंपेनियनशिप एंड देयर एबिलिटी टू हंट रोडेंट। सबसे ज्यादा इनका जो इंसानी बिहेवियर के साथ रिश्ता है वो ये है कि ये चूहों को मार गिराती हैं, खाती नहीं है, कई कई बिल्लियां कभी कभी खा भी लेती हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में चूहे को मारती हैं। कहीं पर भी ये नहीं लिखा द कैट ईट्स द रैट, कैट किल्स द रैट। ये बात मुझे मेरे एक इंग्लिश टीचर ने बताई थी। अब उनका तथ्य कहां तक सही है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका यही कहना था कि भाई देखिए बिल्ली जो है चूहे को मारती है, खाती नहीं है। कहते इंग्लिश में कोई ऐसा फ्रेज हम लोग कराते ही नहीं है कि द कैट ईट्स द रैट, नहीं, द कैट किल्स द रैट। अब इस बात में कहां तक सत्यता है ये तो हमारे वो प्रोफेसर जाने, क्योंकि मुझे इसके बारे में कहीं सत्यता नहीं मिली। क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्ली अगर चूहे को मारेगी तो उसको घर में सजा कर रखने के लिए तो नहीं मारेगी, खाने के लिए ही मारेगी। लेकिन बात तो उन हमारे सर की भी सही थी जिन्होंने कहा कि भाई ग्रामर में कहीं कोई जिक्र मिला ही नहीं बिल्ली का कि कैट ईट्स द रैट, उन्होंने कहा जी कैट किल्स द रैट, यही है करेक्ट स्टेटमेंट। कैट ईट द रैट मैंने एक ऐसे में लिखा था, उन्होंने काट दिया था, उन्होंने कहा कि भाई कैट ईट द रैट ये कहां लिखा हुआ, ग्रामर में कहीं नहीं लिखा हुआ। बाद में मुझे पता चला कि ग्रामर में लिखा हो ना हो बायोलॉजिकल डेफिनेशन ज्यादा सटीक होती है, ठीक है। सो द कैट इफ इट किल्स द रैट इट कैन ईट द रैट ऑल्सो। अब वो मान्यता जिसको आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई चूहे को बिल्ली मारती है, ठीक है वो तो समझ में आ गया, बिल्ली रास्ता काटे तो क्या होता है। अब मैं इसकी एक्चुअल वजह बताने जा रहा हूं, अगर आप में से किसी को पता हो तो आप बता दीजिए, किसी को अगर पता हो बिल्ली रास्ता क्यों काटती है तो आप बता दीजिए। चलो कोई भी बता नहीं पाया, अब मैं बताता हूं बिल्ली ने रास्ता काटा इस बात का क्या मतलब होता है। इस बात का मतलब ये होता है कि बिल्ली को इधर से इधर जाना था, इतना सा मतलब होता है। बिल्ली के रास्ता काटने का और कोई मतलब नहीं होता, कोई अशुभ संकेत भी नहीं होता। अरे भाई बिल्ली से क्या लेना देना है शुभ अशुभ से, बिल्ली इधर से जा रही थी, इसको इधर से जाना है तो उसने रास्ता काट के उधर से जाना शुरू कर दिया, सिंपल सी बात है। भाई बिल्ली को दूसरी तरफ जाना है तो क्या करेगी, उड़कर तो जाएगी नहीं, जंप करके तो एकदम से रोड को क्रॉस कर नहीं जाएगी, चलकर ही जाएगी, रास्ता काट गई। आई बात समझ में, कुछ कुछ तो आपको समझ में आया होगा। एक बड़ी विडंबना बताता हूं बच्चों में हमारी कंट्री की, उल्लू, उल्लू को देखते ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं ये अपशगुन होता है, उल्लू नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा चमगादड़, चमगादड़ को देख लिया लोगों ने तो भाई उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। अरे भाई वो भी ईश्वर की प्रजाति का एक जीव है, हमारे ही नेचर का पार्ट है, उसको भी रहने दीजिए, उसकी भी जरूरत है। वैसे चमगादड़ का फेवर मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि चमगादड़ को लेकर के अभी पीछे कुछ टाइम बहुत सी बातें फैली हैं। तो एनीवे, अगर चमगादड़ को चमगादड़ की तरह रहने दिया जाए, इंसान वहां छेड़छाड़ करने ना पहुंचे तो चमगादड़ से हमें कोई कष्ट नहीं है। रहता है गुफाओं में, रहता है पेड़ों में, रहता नीचे लटक के रहता, मैमल ही है, हमारा थोड़ा सा नजदीकी रिश्तेदार भी कह सकते हैं, इट इज अ मैमल, राइट। याद रहेगा आपको बिल्ली के बारे में, फेलिस कैटस, बिल्ली के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको अब याद रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब बिल्ली के बारे में आप नहीं भूलेंगे।
ठीक है। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बिल्ली के बारे में बता, एक बिल्ली होती है जिसको प्रूशियन कैट कहते हैं, ब्लू कलर की होती है, रशिया में पाई जाती है ब्लू कलर की बिल्ली। हमारी कंट्री में जो बिल्ली है वो बिल्ली कैसी होती है, ज्यादातर जो डोमेस्टिक कैट होती है वो व्हाइट फर वाली होती है। ये तो जो है कबरी बिल्ली है, ये देख लीजिए, इसको कबरी बिल्ली कहते हैं, यानी कि चितकबरी या कबरी बिल्ली के नाम से जाना जाता है, ये देख लीजिए, है ना। तो ये ज्यादातर जंगली प्रजाति की बिल्लियों में ऐसा देखने को मिलता है। बिल्ली हमारे घरों में चुप छुप करके आती है, और खास तौर पर जब गांवों में बड़े बड़े घर होते हैं वहां पर क्या है कि किचन में ज्यादा खिड़कियां उड़कियां नहीं होती हैं, तो ये दूध और दही इसको बड़े आसानी से लुत्फ उठाने के लिए आ जाती है। बिल्ली को बिल्ली मौसी भी कहते हैं, और हमारे देश में बच्चे इसको बहुत ध्यान से, यानी कि बिल्ली की आवाज तो बच्चों को बचपन से पता होती है। आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की भी बिल्ली होती है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्लैक कलर की भी बिल्ली होती है। तो बिल्लियां बहुत से प्रजाति की पाई जाती हैं, और उनमें से हमारी कंट्री में एक होती है व्हाइट वाली बिल्ली जो जिसको ज्यादा लोग डोमेस्टिकेटेड करना पसंद करते हैं, और एक होती है चितकबरी बिल्ली या कबरी बिल्ली, ठीक है। अच्छा बिल्ली को मारने को लेकर के भी हमारे देश में बड़ी सी मान्यताएं हैं कि बिल्ली को अगर मार दिया तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है, और हमारे यहाँ जो रिलीजियस गुरुज होते थे वो पंडित वगैरह पुरोहित अभी भी हैं, लेकिन पहले की मान्यता कुछ ज्यादा थी, उनमें बिल्ली को अगर मार दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी। इसी के ऊपर मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जो मैंने पढ़ी थी। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत बड़े हिंदी राइटर हुए हैं, मतलब उनके बराबर तो मुझे नहीं लगता उनके समकक्ष कोई पहुंचा होगा, जो कहानियां लिखने में, नॉवल लिखने में मुंशी प्रेमचंद जी का कोई सानी नहीं। उन्होंने इसके बारे में एक कहानी लिखी थी कि किस तरह से एक बिल्ली को मार दिया था। किसी गांव में एक नई नई बहू आई थी, तो पंडित जी खुश हो गए, और पंडित जी ने बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सारी लिस्ट बन गई। पंडित जी खुश हो गए कि अब तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। तब तक घर में किसी ने आकर के बताया कि बिल्ली तो उठकर चली गई, यानी कि बिल्ली को चोट जरूर लगी थी लेकिन वो बिल्ली मरी नहीं थी। तो बिल्ली तो जिंदा हो गई, लेकिन पंडित जी के जो जितने जो हैं मंसूबे थे वो बेचारे पानी में गिर गए, यानी कि उन्होंने राजी कर लिया था सोने की बिल्ली भी दान करने का, और दान मिलता किसको, उन्हीं को मिलता। तो इस तरह की कहानी, ये मेरी बनाई कहानी नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो किसी भी पंडित को अगर कोई भी देखे, कोई पुरोहित, मेरा सख्त अनुरोध है आप लोगों से, यानी कि बहुत ज्यादा अनुरोध है कि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि ये कहानी है। आज की डेट में जाहिर सी बातें हैं, चीजें बहुत सी बदल गई हैं। समझ में आ गई बच्चों, बिल्ली के बारे में। अब बात करते हैं कुरकुमा लौंगा, यानी कि हल्दी, टर्मरिक जिसको कहते हैं, कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा देख लीजिए, इसमें भी राइजोम पाया जाता है। तो टर्मरिक हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एज अ रेमेडी इन द ट्रेडिशनल इंडियन एंड फोक मेडिसिन, यानी कि ये एक बहुत मेडिसिनल जड़ी है इसको कह सकते हैं, और ये हमारे सब्जियों में बड़ा शुमार है इसका, इसके बिना तो काम ही नहीं बनता, और ये दवा है। ट्रेडिशनल इंडियन एंड फोक मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ इलनेसेस, जैसे कि इन्फ्लामेशन, कोई स्वेलिंग हो गई, इन्फेक्शियस डिजीज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हेपाटिक प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, इन चीजों में हल्दी को यूज किया जाता है। स्किन क्रीम में भी यूज किया जाता है। इसके अंदर कुरक्यूमिन करके एक केमिकल होता है, कुरक्यूमिन इज अ मेजर आइसोलेटेड पॉलीफिनॉल फ्रॉम राइजोम ऑफ टर्मरिक। इसमें कई सारी वैरायटीज ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर, एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव, लिवर को प्रोटेक्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इस हल्दी के ऊपर अमेरिका में एक पेटेंट करा लिया था किसी ने कि भाई हल्दी के ऊपर कोई भी रिसर्च होगा उसका रॉयल्टी उन्हें मिलेगा। इस पेटेंट को रिवर्स करा दिया गया क्योंकि हल्दी हमारे कंट्री की है। और एक जगह है महाराष्ट्र में सांगली, दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ी जो मार्केट है, मंडी है, वो सांगली ही है। वहीं पर हल्दी सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि आसपास के इलाकों में हल्दी बहुत फेमस है, प्रोड्यूस होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है जहां पर हल्दी का खरीद फरोख्त किया जाता है। जो बच्चे उस इलाके से होंगे, उस साइड से होंगे, उनको पता होगा इस बारे में। सांगली इज अ वेरी फेमस एरिया इन महाराष्ट्र फॉर हल्दी, टर्मरिक के लिए बहुत फेमस। गार्लिक, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम यानी कि गार्लिक जिसको लहसुन कहते हैं, एलियम सीपा अनियन है और एलियम सेटाइवम इज गार्लिक यानी कि लहसुन, ठीक है। गार्लिक्स क्लोज रिलेटिव्स इंक्लूड अनियन, इसके बड़े क्लोज रिलेटिव अनियन होते हैं। अब ये शैलॉट, लीक, चाइव, ये हमारी कंट्री में नहीं दिखाई देते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज में दिखाई देते हैं। और चाइनीज अनियन, चाइनीज अनियन भी होते हैं छोटे छोटे,
इट हैज लॉन्ग बीन अ कॉमन सीजनिंग वर्ल्ड वाइड, सीजनिंग के काम में आता है ना, हिस्ट्री ऑफ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ऑफ ह्यूमन कंजप्शन एंड यूज, इट इज नोन टू एंशियंट इजिप्शियंस, इजिप्शियन लोग इसके बारे में जानते थे एंड दे यूज्ड बोथ एज फूड फ्लेवरिंग एंड एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। चाइना प्रोड्यूसेस सम 80% ऑफ द सप्लाई ऑफ गार्लिक, सबसे ज्यादा लहसुन का जो प्रोडक्शन है वो चाइना करता है, तो चाइना 80% लहसुन की सप्लाई देता है पूरे वर्ल्ड में। और एक चीज और जान लीजिए, चाइनीज डिशेस में गार्लिक का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है, जो भी चाइनीज फूड्स होते हैं चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, उनमें गार्लिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, चाइनीज फूड में गार्लिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, हर चीज में वो यूज करते ही करते हैं। नाउ एपिस डोरसेटा, हनी बी, इस हनी बी के बारे में एक सेशन सीप मैम लेने वाली है थोड़ी देर में, 10:30 के करीब उनका सेशन होगा, और फिर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन मेरा 12 बजे, आज 12 बजे 12 आफ्टरनून में जो सेशन है उसमें आपको आना ही आना है, फ्रॉम द ट्री टॉप, एक अनोखी स्टडी के बारे में आपको बताऊंगा और ऐसे अनोखे इंतजाम दिखाऊंगा, इस तरह के मतलब डिजाइनिंग हुई है जिनके ऊपर पेड़ों के ऊपर लोग चल सकते हैं, आप सोच नहीं सकते, पेड़ों के ऊपर लोग चल सकते हैं, बिल्कुल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलते हुए जा सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बन चुके हैं जिनसे रिसर्च को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। चलिए हनी बी या एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा के बारे में जान। हनी बी इज फाउंड मेनली इन द फॉरेस्टेड एरियाज सच एज द तराई ऑफ नेपाल, नेपाल के तराई क्षेत्रों में हनी बी बहुत ज्यादा पाई जाती है, रॉक बी है ना, इंडियन बी, दे आर टिपिकली अराउंड 17 to 20 millimeter लॉन्ग, यानी कि 0.7 to 0.8 inches, लगभग एक एक इंच की लंबी होती है लगभग। These social bees are known for their aggressive defense strategy and vicious behavior when disturbed. जब इनको disturb किया जाता है तो ये बड़े ही खतरनाक इरादों से आपके ऊपर हमला कर देती है। Now, though not domesticated, इसको domesticate नहीं किया जाता हमारी country में at least. अब तो शुरू हो गया है, यानी कि जो हनी बी का कल्टीवेशन है जिसको एपीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं, डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज भी यूज करी जाती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एपिस मेलिफेरा है ना। तो नाउ दो नॉट डोमेस्टिकेटिंग इट, इंडिजिनस पीपल हैव ट्रेडिशनली यूज्ड दिस स्पीशीज एज अ सोर्स ऑफ हनी एंड बी वैक्स, इसको बी वैक्स और हनी का सोर्स के रूप में हमेशा से यूज किया जाता रहा है, और इस प्रैक्टिस को नोन एज हनी हंटिंग, इसको हनी हंटिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल हनी कल्टीवेशन भी होता है ना, एपियरीज जो होती हैं वो सब एपीकल्चर जिसको कहते हैं, एपियरीज को यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा कल्टीवेशन भी किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज आपको सीप मैम देने वाली हैं थोड़ी ही देर बाद, तो इसके सोशल ताने बाने के बारे में आपको बताएंगी, इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अच्छा, जैसे हमारे ह्यूमन में होता है कि हम एक एक डिग्री और सर्टिफिकेट लेकर के आगे बढ़ते रहते, इनमें भी ऐसा है, शुरुआत में एक नर्सिंग का काम दिया जाता है, सफाई का काम दिया जाता है, भाई आप अभी नए हैं, फीमेल वर्कर्स को पहले सफाई का काम दिया जाता है, फिर जो डेवलपिंग यंग वंस हैं उनको खाना खिलाने का काम, फिर उसके बाद जो है जो हनी कॉम्ब होता है उसको ठंडा रखने का काम, फिर उसके बाद जब और एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो फ्लावर ढूंढ करके वहां से नेक्टर लाने का काम, और जो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं उनको बी हाइव की रक्षा करने का काम, इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। बी डांस भी बड़ा फेमस है, इसके बारे में भी आप अगले सेशन में जरूर जानेंगे। तो ये था हमारा हनी बी के बारे में डिस्कशन, बच्चों काफी समझ में आया होगा आपको हनी बीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिजीगियम एरोमेटिकम, यानी कि क्लोव, क्लोव जिसको लौंग भी कहा जाता है, सिजीगियम एरोमेटिकम, ये बच्चों जामुन की फैमिली को बिलोंग करता है और सेम जीनस है, जामुन तो हम खाते ही हैं, इंडिया में जामुन बड़ा फेमस है, तो जामुन बिलोंग्स टू द जीनस सिजीगियम, सिजीगियम क्यूमिनी, सिजीगियम क्यूमिनी यानी कि जामुन है, सिजीगियम एरोमेटिकम यानी कि क्लोव, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बच्चों, ये ड्राइड बड है, कली जिसको कहते हैं, फ्लावर नहीं बनी है, उसको तोड़ करके सुखा लिया जाता है। अगर आप देखें तो जामुन में भी जो बड आते हैं वो भी कुछ कुछ डिजाइन ऐसा ही रहता है, जामुन के बड आप सबने देखे होंगे, डिजाइन ऐसा ही होता है, उनको भी सुखा लीजिए तो लॉन्ग नहीं बन जाएंगे क्योंकि वो जामुन है, ये लॉन्ग है, दोनों में थोड़ा सा फर्क तो जरूर है। चलिए, क्लोव्स आर एरोमेटिक फ्लावर बर्ड्स ऑफ अ ट्री इन द फैमिली मिर्टेसी, मिर्टेसी फैमिली का ये मेंबर है, सिजीगियम एरोमेटिका, राइट, दे आर नेटिव टू मलुकु आइलैंड इन इंडोनेशिया, ये बच्चे इंडोनेशिया के नेटिव हैं, इंडोनेशिया में ही सबसे पहले
इस प्रजाति का जन्म हुआ हमारी कंट्री में, साउथ इंडिया में इसका काफी ग्रोथ होती है। नीलगिरीज में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, नीलगिरीज के फुटहिल्स में आपको देखने को मिल जाते हैं इसके पौधे। तो बच्चों मिशन 2030 में जब आप सब आएंगे डॉक्टर बन करके नीलगिरीज में, तो वहां पर मैं आपको कॉफी प्लांटेशन दिखाऊंगा, चाय बागान दिखाऊंगा, नीलगिरी तहर दिखाऊंगा, और मैं आपको उस इलाके के आसपास क्लोव यानी कि सिजीगियम एरोमेटिकम की खेती भी दिखाऊंगा। क्लोव्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू डिफरेंट हार्वेस्ट सीजन इन डिफरेंट कंट्रीज। अब तो बहुत से कंट्रीज में ग्रो कराए जाते हैं और मसालों में इनका यूटिलाइजेशन है, एक तरह का कह सकते हैं कि आप ये स्पाइसेस हैं, मेडिसिनल स्पाइसेस भी हैं। तो दिस इज सिजीगियम एरोमेटिकम जिसको हम लौंग के नाम से जानते हैं। अब एक और मसाला ब्लैक पीपर जिसको हम पाइपर निग्रम के नाम से जानते हैं, पाइपर निग्रम होता है और एक होता है पाइपर लौंगम, पीपली जिसको कहते हैं। तो ये है पाइपर निग्रम यानी कि ब्लैक पीपर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें पेरिस्पॉर्म जो होता है, पेरिस्पॉर्म इसमें पाया जाता है जो कि न्यूसेलस है, एक्स्ट्रा रिमेनिंग ऑफ द न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक के बाहर, वो ड्राई होके वेवी स्ट्रक्चर बना देता है जिसकी वजह से ब्लैक पीपर की सीड जो है हल्की हल्की ऊपर से वेवी कोटिंग देखने को मिलती है, दैट इज पाइपर निग्रम। सो ब्लैक पीपर इज अ फ्लावरिंग वाइन, ये एक तरह का वाइन है, वाइन का मतलब होता है लता है, पाइपरेसी फैमिली में पाई जाने वाली एक लता है। पाइपरेसी फैमिली में ज्यादातर लता या हर्ब के फॉर्म में ही होते हैं प्लांट, कल्टीवेटेड फॉर इट्स फ्रूट। एक पेपेरोमिया भी है इसमें, पेपेरोमिया भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, जीनस पेपेरोमिया और जीनस पाइपर दो जीनस है प्रमुखता पाइपरेसी फैमिली के, और हजार से ज्यादा स्पीशीज है। Now, which is usually dried and used as a spice and seasoning. When fresh and fully mature, the fruit is about 5 millimeter in diameter and dark red and contains a single seed. जब ripe होता है तो red होता है और जब सूख जाता है तो black हो जाता है। समझ में बात? Black pepper is native to present day Kerala in South India. ये हमारी country में ही grow किया है, हमारी country का ही native है और Kerala का native है mainly. And it is extensively cultivated there and elsewhere in tropical region. Vietnam is the world's largest producer and exporter of pepper. Vietnam में सबसे ज्यादा cultivation किया जाता है इसका। समझ में आ गई बात? So black pepper is native to South India में Kerala. और आपको एक चीज जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जितने Europeans हमारे इंडिया में आए थे वो सब काली मिर्च के चक्कर में ही आए थे, चाहे वो Vasco da Gama हो चाहे कोई और। तो Vasco da Gama सेलर थे, अरेबियंस भी ट्रेड करते थे काली मिर्च के लिए, और एक जमाना ऐसा था कि जब काली मिर्च को हाईली प्राइज्ड माना जाता था, यानी कि काली मिर्च को बार्टर सिस्टम में भी यूज किया जाता था, एक बोरी काली मिर्च बदले में पता नहीं कितनी बोरी अनाज, क्योंकि काली मिर्च एक काफी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी थी। आपको समझ में आ गई होगी बात इसके बारे में। अब हमारा एक और आज का मेंबर सिल्क मॉथ जिसको हम बॉम्बेक्स मोरी के नाम से जानते हैं, सिल्क मॉथ रेशम का कीड़ा, इसका जो लार्वा है वो कोकून बनाता है और वहीं से सिल्क का प्रोडक्शन होता है। दिस इज बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी इज अ डोमेस्टिक सिल्क मॉथ, इट इज एन इंसेक्ट इन द मॉथ फैमिली बॉम्बाइसाइडे। सिल्क वॉर्म इज द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ, इट इज एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बींग प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। इसका जो फूड है वो है मलबेरी लीफ, मलबेरी का जो साइंटिफिक नेम है वो है मोरस एल्बा, मोरस एल्बा यानी कि मलबेरी, शहतूत के नाम से जाना जाता है जिसमें कैटकिन इनफ्लोरेसेंस आता है, मोरस एल्बा या मलबेरी। तो एक और नाम मैंने दे दिया आपको मोरस एल्बा, इस नाम को भी याद रख लीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक का है, देख लेते हैं स्पेशल क्लासेस का स्केड्यूल। आज भी मेरी स्पेशल क्लास है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में मेरी स्पेशल क्लास है। इस स्पेशल क्लास में हम एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनके फंक्शनिंग के बारे में और एंजाइम्स कौन कौन सी टाइप की एंजाइम्स होती हैं। तो आपको इस सेशन में आना अति आवश्यक है। ये रहा दीपक सर का स्केड्यूल। इसके अलावा मंडे टू वेडनेसडे हमारा क्लास 11th का स्केड्यूल, थर्सडे टू सैटरडे 12th का स्केड्यूल, और टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना बड़ा आवश्यक है। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, देन गो टू द ब्राउजर, टाइप tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neatmobile, इस फीचर के थ्रू आप हमारे प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों, जो कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां मिलती है आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद अस लाइव पोल लीडरबोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर। बच्चों हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, तो इन बैचेस के साथ आप जुड़े
और अपनी तैयारी को और उम्दा करें। राइट करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी, गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो। यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर लीजिए। 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month के सब्सक्रिप्शन है। नाउ नीट 2020 के बच्चे 1 month के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। 9th, 10th, 11th के स्टूडेंट 24 month के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। You will directly come under my guidance, मेरे batches के साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा Unacademy NEET UG category में जितने educator हैं, physics, chemistry, biology, सबके batches में आप join कर सकते हैं। Code एक फायदे अनेक। इस code को आप अपने किसी friend, आप अपने relatives, भाई बहन, brother sister, किसी को भी, किसी और category के लिए भी refer कर सकते हैं, क्योंकि code एक फायदे अनेक। ये code हर category के लिए applicable है on Unacademy subscription। राइट और चैनल को जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अनअकैडमी नीट चैनल को तुरंत करें सब्सक्राइब और इसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स आपके अपने सेशन से रिलेटेड मिलते रहें। और शेयर कीजिए #NEETLiveDaily पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9th, 10th and 11th, 12th, टुगेदर लेट्स क्रैक इट। And for joining with Unacademy subscription, use code Pradeep Live. You will get 10% discount and you will be directly under my guidance. Aur mere saath aap apni manzil ka safar tay kijiye. Mission 2030, the legacy of Nilgiris ko accomplish karna hai. That is all for now, bachcho. Stay tuned and come back at 12 afternoon jab hum baat karne wale hain from the treetop. So that is all for now. Take care. Bye-bye.